अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है और आज के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था किस तरह हम पिंटरेस्ट को यूज़ करके जो है अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। आज मैं एक नई वीडियो लेक्चर के साथ और नई प्लेटफॉर्म के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को भी आप लाइक करेंगे और ज़रूर शेयर करेंगे और पसंद करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उस प्लेटफॉर्म का नाम आपने सुना होगा रेडिट के नाम से। रेडिट बहुत ही बड़ा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोग यहाँ से लाखों की तादाद में बिलियंस की तादाद में ट्रैफिक जो है यहाँ से जनरेट करते हैं और जो है इसके बाद आपको यहाँ से अच्छे बैकलिंक्स भी मिल जाते हैं। अगर आप SEO एक्सपर्ट हैं तो बहुत ज़्यादा यानी रेडिट के आपके सामने जो है फ़वाद यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको यूज़ करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। बहुत सी दफ़ा हम ऐसा करते हैं, हम रूल्स को नहीं पढ़ते और रूल्स को सही फॉलो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कामयाब नहीं हो पाते। आपको यहाँ पे कमेंट करमा चाहिए होता है। करमा आप लोगों को मैं बता देता हूँ करमा क्या चीज़ होती है। जब यहाँ पर आप कोई पोस्ट करते हैं तो उसको लाइक्स मिलते हैं, जिस तरह हम फेसबुक यूज़ करते हैं वहाँ पर लाइक्स होते हैं, तो वही लेकर मैं आपको चल रहा हूँ। यानी अपवोट इसको बोलते हैं। जिस तरह आपने कोई पोस्ट की उसको अपवोट मिलते हैं और वो अपवोट आपके जो है ऐड होते जाते हैं और इस तरह आपका कर्मा इंक्रीज़ हो जाता है। जितना ज़्यादा आपका कर्मा होगा उतनी ही हाई आपकी पोस्ट को जो है रैंक किया जाएगा और उतना ही ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट होने के यहाँ से चांसेस आपके पास होते हैं। तो डिफरेंट मैंने यहाँ पे अकाउंट्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी इसके रिसर्च करने के बाद जो है फाइनली मैंने जो है इसका ये फिगर यहाँ से हासिल कर लिया और जो है मेरा कमेंट कर्मा ऑलमोस्ट 5000 यहाँ पे पहुँच चुका है। तो इसकी क्या वजह थी मैं उसको कुछ आपको जो है इसमें ट्रिक्स बता देता हूँ, कुछ टेक्निक्स बता देता हूँ किस तरह हमारा अकाउंट यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, क्या वो वजूहत होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ कि रूल्स को हमने किस तरह फॉलो करना होता है। ये फ्रीबीज की जो है एक पोस्ट मैंने यहाँ पे की और देखें इसको ये क्या कहा गया, रॉन्ग सब रेडिट। ये मैंने इसलिए किया कि ताकि आप लोगों को समझा सकूँ क्यों ये जो है रॉन्ग सब रेडिट इसने मुझे बोला। इसके अपने कुछ रूल्स हैं, इन रूल्स को अगर आप पढ़ें तो यहाँ आपको पता लगेगा कि यहाँ पे टाइटल जो है वो आपके जो है टाइटल जो आपके हिसाब से है वो ठीक होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने टाइटल लगाया उस टाइटल को आप देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने लिंक भी डाल दिया और उसके अंदर जितनी डिटेल थी मैंने तमाम की तमाम डिटेल डाल दी। तो इस टाइटल की बिना पर ये जो है रॉन्ग सबरेडिट इसने मुझे ऑप्शन दे दिया और ये मेरी जो है इन्होंने मुझे ब्लॉक भी कर दिया और यहाँ पर मैं मज़ीद पोस्ट नहीं कर सकता और ना ही मेरी ये पोस्ट जो है ये फर्दर जो है रैंक हुई है। ठीक है, पहले आपको ये बता दूं कि इसकी पावर क्या चीज़ है, किस तरह आप कितना ट्रैफिक यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। रिसेंटली मैंने अभी इसके ऊपर एक अपना प्रोजेक्ट बनाया मेडिकल ऐप UI के नाम से, यही प्रोजेक्ट है जो अभी नीचे आपको शो हो रहा है। और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर पेश करा दिया। वेब डिज़ाइन एक कम्यूनिटी है, इसके अंदर मैंने इसको जो है पेश कर दिया। वेब डिज़ाइन बहुत बड़ी एक कम्यूनिटी है, इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 326K डिज़ाइनर्स मौजूद हैं और 303 डिज़ाइनर जो है इस वक्त भी इसके अंदर ऑनलाइन है। तो बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है, यानी अगर आपके पास अच्छा कमेंट करमा हो और सही आपका जो है कंटेंट हो तो आप यहां से अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं। मैंने सेम काम किया, मैंने यहां पे अपनी जो है एक पोस्ट लगा दी मोबाइल ऐप UI डिज़ाइन के नाम से और इस पोस्ट के थ्रू मैंने यहाँ से कितना ट्रैफिक लिया, 23 अपोर्ट्स लिए, 7 कमेंट्स लिए और ट्रैफिक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हेयर वी गो, तो ये ट्रैफिक है ऑलमोस्ट 907 व्यूज़। ये जो है मैंने कुछ ही दिन में यहाँ से जो है तकरीबन 1000 व्यूज़ ले लिए। आप बिहांस के बारे में जानते होंगे, इसको यूज़ करें तो यहाँ इतने ज़्यादा व्यूवर्स नहीं आते। ये देखें मैंने अभी इसको कहीं पोस्ट नहीं किया, सिर्फ 54 व्यूज़ हैं, 214 व्यूज़ हैं और कोई ख़ास इनके व्यूज़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ मैंने यहाँ पे पोस्ट की, ये देखें इसको मैंने जो है पिंटरेस्ट पे पोस्ट किया और यहाँ अब तक मैं तकरीबन 3.5K व्यूज़ यहाँ से ले चुका हूँ। इसी तरह इससे मैं 2.6K व्यूज़ यहाँ से जो है अभी तक जनरेट करा चुका हूँ। इसी तरह अगर आप कोई वेबसाइट है आपकी तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं और अगर आपका कोई ब्लॉग है, आपके पास कोई यूट्यूब चैनल है तो आप वीडियोज़ लगा के जो है यहाँ से ट्रैफिक ले सकते हैं। तो अब बताना आपको ये है कि किस तरह आप यहाँ से जो है ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और किस तरह अपना कमेंट करमा इंक्रीज़ कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसानी के साथ आप इस पर काम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो इसके अंदर क्या कहते हैं सब रेडिट है, उसको बोलते हैं पिक्स। ठीक है, ये इसके अंदर सब रेडिट्स होती हैं, जिस तरह हमारे फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं तो इसी तरह यहाँ पे सब रेडिट्स होते हैं। इसको आपने फॉलो कर लेना है, यहाँ पर आप सर्च करें पिक्स के नाम से, आपको यह रेडिट जो है बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगी। इसके अंदर ऑलमोस्ट 19.1 मिलियन फोटोग्राफर्स हैं और 28.1K ऑनलाइन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं।
यानी बहुत ही बड़ी कम्युनिटी है। अगर इसके अंदर आप सही तरीके से पोस्टिंग करें तो आप यहाँ से अपना कमेंट करवा बहुत जल्दी इंक्रीज़ करा सकते हैं। ये देखें, रिसेंटली कुछ मंथ पहले मैंने यहाँ पे एक पोस्ट की थी और इसके ऊपर मैंने कितना यहाँ से लिया, ऑलमोस्ट 10.7 के जो है मेरा अपवर्ड्स मुझे यहाँ से मिले, और इसके थ्रू जो है मैंने तकरीबन मेरा कमेंट करमा जो है वो 5000 को पहुँच चुका है। और ये देखें, अगर कमेंट्स पे आप जाएँ तो इसके कमेंट्स भी जो हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पे मुझे मिले, और जिसकी वजह से जो है मेरा अकाउंट जो है बहुत जल्दी इसमें रैंक हो गया, और अब मेरे काफ़ी कमेंट करमा जो है वो मेरा इंक्रीज़ हो चुका है। कमेंट करमा उस वक्त भी इंक्रीज़ होता है जब आप कोई कमेंट यहाँ पे कर दें। अगर आप कमेंट कर दें और उसको पॉइंट्स मिल जाएँ, देखें इस बंदे ने कमेंट किया और इसको 135 पॉइंट्स मिले, तो इसका कमेंट करमा भी इंक्रीज़ हो गया। अगर आप यहाँ पर अपना कमेंट कर दें, अपनी वेबसाइट का लिंक दे दें, तो इससे भी जो है आपका कमेंट करमा इंक्रीज़ हो जाता है। ओवरऑल जो मेरी ये रेडिट की जो पोस्ट थी, इसको जो व्यूज़ मिले वो 42.0 केस व्यूज़, यानी तकरीबन 42,000 व्यूज़ इसने लिए, 42,000। और इसके साथ अगर मैं यहाँ पे कोई लिंक लगा देता तो इतना ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे यहाँ से जा सकता था। लेकिन पिक्स के कुछ रूल्स हैं इस सब रेडिट के, यहाँ पे आप अपना लिंक नहीं लगा सकते। यहाँ पे इमेज अगर अपलोड करना है आपने तो वो जो है या इसको कहते हैं इमगो द मैजिक ऑफ इंटरनेट, यहाँ पे आप अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू आप यहाँ पे जो है जो वो कमेंट करमा इंक्रीज़ करा सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए भी आपको कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करना पड़ते हैं। ये अगर वहाँ पे आप कोई इमेज के साथ लिंक लगा दें तो ये आपकी इमेज को ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए मैं वो आपको नहीं सजेस्ट कर रहा। मैं आपको सिंपली ये कहता हूँ, कुछ अपने इमेजेस ढूंढनी है, गूगल कर लें इमेजेस, इस टाइप की कोई इमेज हो। देखें कोई ख़ास इमेज नहीं है, बस एक सनसेट है, और इस सनसेट को जो है इतनी अट्रैक्शन इसके अंदर थी कि लोग जो है इसके ऊपर कमेंट करने पर मजबूर हो गए, और इसको अपवोट देने पर जो है वो लोग मजबूर हो गए। तो इसी तरह आप लोग जो है अपनी इमेजेस को यहाँ से गूगल कर सकते हैं, कोई से भी वॉलपेपर आप ला सकते हैं, फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह आप इमेजेस को जनरेट कर पेस्ट करके यहाँ से जो है अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हैं। ये देखें, एक और मैंने इमेज पोस्ट की, इस पर 36 मुझे जो है अपवर्ड्स मिल गए। ये देखें, कोई ख़ास इमेज नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ मुझे 4 अपवर्ड्स मिले। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहली बार में जो है अटैम्प्ट आप करें और उसके पास अच्छा खासा आपको जो है अपवर्ड्स मिल जाए। काफ़ी मैंने ट्राई किए, उसके बाद जाके मुझे इतने जो है अपवर्ड्स मिले। इसको देखें, 76 इसके ऊपर क्लिक्स मुझे मिले, और ये देखें 10.7 के। इसी को मैंने दोबारा एक और जगह पर पोस्ट किया, उसके बाद मुझे यहाँ से 106 अपवर्ड्स मिले, और इस तरह जो है ये देखें 48 अपवर्ड्स। तो इस तरह आप जो है रेडिट को यूज़ करके यहाँ से अच्छी खासी ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, और जो है ना यहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट पे जो है अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप जो है मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जो है ना मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं, www.brightwaytech.com के नाम से मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पे आप आके मुझे जो है यहाँ से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के मॉकअप्स और ग्राफिक्स रिसोर्सेस यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए इंतज़ार कीजिएगा। जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा, और कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।